नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि RO, ERO और UPPCS 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का संपूर्ण रिवीजन। पहला प्रश्न है आपका, 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के किन क्षेत्रों में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि ट्यूलिप लॉन्च किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय शहरी निकायों में। अगला प्रश्न है आपका, 2 जून 2020 को फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा बिमल जुल्का, यह वर्तमान में जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी, इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषकों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RK सिंह, केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं यह RK सिंह, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है आपका, 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, आयुष मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है आपका, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के किए गए नाम को अपनी मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट, जो है कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपका, 16 फरवरी 2020 को आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि 11 फरवरी 2020 को घोषित दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक 62 सीटें प्राप्त हुई। दूसरा है, चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें प्राप्त हुई। तीसरा है, अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि सभी कथन जो है यहाँ सही हैं, यानी कि 11 फरवरी 2020 को दिल्ली घोषित जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में परिणाम में आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 62। और चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 8 सीटें प्राप्त हुई। और अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो तीनों ही कथन जो है यहाँ सही है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 19 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, इस आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप देख सकते हैं, पहला है कि ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक हैं। दूसरा है कि विधि और न्याय मंत्रालय यानी कि कानूनी मामलों के विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेषित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना। तीसरा है, गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक हो गए सभी उपाय करना। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही कथन हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही हो जाएगा यहाँ सभी कथन जो है वह सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि 19 जनवरी 2020 को मंजूरी प्राप्त 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाएगा। दूसरा है, भारतीय विधि आयोग का मूल रूप से गठन वर्ष 1955 में हुआ था। तीसरा है, इस आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। और चौथा है कि 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल वह 31 अगस्त 2018 तक था।
तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, सभी कथन जो है यहाँ सत्य हैं, यानी कि 19 जनवरी 2020 को मंजूरी प्राप्त 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाएगा और भारतीय विधि आयोग का मूल रूप से गठन जो है 1955 में हुआ था और इस आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है और 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल वह 31 अगस्त 2018 तक था। तो सभी कथन जो है यहाँ सत्य हैं, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपये अब तक पेश किए गए बजट अनुमानों में सबसे बड़ा है। दूसरा है, विगत बजट अनुमान की तुलना में यह 33,159 करोड़ रुपये अधिक है। और तीसरा है, प्रस्तुत बजट में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता यानी कि अप्रेंटिसशिप योजना प्रस्तावित है। और चौथा है, मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, सभी कथन जो है यहाँ सत्य हैं। आप देख सकते हैं 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में दिया गया है कथन है। तो पहला है कि प्रस्तुत बजट अनुमान 5,12,860.72 करोड़ रुपए बजट का आकार था, जो कि अब तक पेश जो है किए गए बजट अनुमानों में सबसे बड़ा है। और दूसरा है, विगत बजट अनुमान की तुलना में यह 33,159 करोड़ रुपये अधिक है, तो ये भी सही है। प्रस्तुत बजट में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता जिसको अप्रेंटिसशिप योजना कहा जाता है यह प्रस्तावित है, यह भी सही है। और मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा, सभी कथन यहाँ सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बजट में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। दूसरा है, बजट में फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को भी सुलभ कराने की व्यवस्था की गई है। तीसरा है, राजकोषीय घाटा 53,195.46 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का यह 2.97% है। और चौथा है, वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.74 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी कथन जो है यहाँ सही हैं। यानी कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कि बजट पेश किया गया 2020-21, उसमें बजट में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, सही है आपका। बजट में फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को भी सुलभ कराने की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। और राजकोषीय घाटा या 53,195.46 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का यह 2.97% है, ये भी सही है। और चौथा है, वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.74 लाख मीट्रिक टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तो सभी कथन यहाँ सही हैं, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 28 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने देश की 10 और अति महत्वपूर्ण झीलों वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया है। दूसरा है, इनमें उत्तर प्रदेश की 6, पंजाब की 3 तथा महाराष्ट्र की 1 झील शामिल है। इसके साथ ही वर्तमान में रामसर श्रेणी की कुल 37 झीलें हो गई हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं यहाँ। यानी कि 28 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने देश की 10 और अति महत्वपूर्ण झीलों वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया है, सही है आपका। इनमें उत्तर प्रदेश की 6 झीलें हैं, पंजाब की 3 झीलें और महाराष्ट्र की 1 झीलें शामिल हैं। और इसके साथ ही वर्तमान में रामसर श्रेणी की कुल जो है 37 झीलें हो गई हैं। तो सभी कथन सत्य हैं, डी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 29 जनवरी 2020 को मंजूर चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है, प्रस्तावित विधेयक द्वारा चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा। दूसरा है, इसमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क पीड़ित और अन्य सुरक्षित महिलाएं, असुरक्षित महिलाएं जैसे कि दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग भी शामिल होंगी। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि प्रस्तावित विधेयक द्वारा जो है चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा और इसमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएं जैसे कि दिव्यांग महिलाएं और नाबालिग भी इसमें शामिल होंगी। तो दोनों ही कथन जो है यहां सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, 27 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने असम के उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जिसको NDFB कहा जाता है और दो अन्य संगठनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, इस समझौते का उद्देश्य बोडो की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान को संरक्षित करना है। दूसरा है, बोडो क्षेत्र के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपए की विशिष्ट परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी। तीसरा, बोडो आंदोलन में मारे गए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी। और चौथा है, बोडो कछारी कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ सभी कथन जो हैं यहाँ सत्य हैं, यानी कि इस समझौते का उद्देश्य जो है बोडो की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान को संरक्षित करना है और बोडो क्षेत्र के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपए की विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और बोडो आंदोलन में मारे गए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। और चौथा जो है, बोडो कछारी कल्याण परिषद की स्थापना भी की जाएगी। तो सभी कथन सत्य हैं, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा पूर्वोदय का शुभारम्भ किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका शुभारंभ कोलकाता पश्चिम बंगाल से किया गया। दूसरा है, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्वोदय की शुरुआत की गई है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सत्य हैं यहाँ, यानी कि 11 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा पूर्वोदय का शुभारंभ किया गया, इससे संबंधित कथन जो है कि इसका शुभारंभ कोलकाता पश्चिम बंगाल से किया गया है, सही है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्वोदय की शुरुआत की गई है। तो दोनों ही कथन सही हैं, डी विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 3 दिसंबर 2019 को दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ, इसे संबंधित कथनों पर विचार करें। विलय के पश्चात इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव होगा। दूसरा है, यह बॉम्बे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। तीसरा है, यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दिन से लागू होगा। और चौथा है, इस विधेयक से प्रशासन एवं सेवा शर्तों और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी जो है यहाँ सही हैं, यानी कि 3 दिसंबर 2019 को दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ है। विलय के पश्चात जो है इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो होगा वह दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव होगा, इसकी राजधानी जो है वह दमन होगी। यह बॉम्बे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शासित होगा और यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दिन से लागू होगा और इस विधेयक से प्रशासन एवं सेवा शर्तों और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सभी जो है कथन यहाँ सही है, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दिसंबर 2019 में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया, इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम जो वर्ष 2018 में आकांक्षी श्रेणी में थे सुधार करते हुए परफॉर्मर की श्रेणी में आ गए हैं। और दूसरा है, इस सूचकांक में 17 विकास लक्ष्यों में से 16 SDG के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर माना गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन जो है यहाँ सही हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का जो है दूसरा संस्करण जारी किया, इसे संबंधित कथन दिए गए हैं। पहला है कि 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम जो कि वर्ष 2018 में आकांक्षी
श्रेणी में थे या सुधार करते हुए परफॉर्मर श्रेणी में आ गए हैं, सही है। दूसरा है, इस सूचकांक में 17 विकास लक्ष्यों में से 16 SDG के संदर्भ में जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से लेकर 100 के पैमाने पर माना गया है। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है, दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद सृजित करने को मंजूरी दी गई, इसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। दूसरा है, वे तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। तीसरा है, युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम करेंगे। और चौथा है, वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तो प्रयुक्त कथनों में से सही कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ सही हैं। तो CDS के संबंध में जो है आपको दिया गया है कि वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, तो बिल्कुल सही है। पहले CDS कौन बने हैं? तो बिपिन रावत जो है CDS नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा, नाम पूछा जाएगा तो जनरल बिपिन रावत। दूसरा है, वे तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे, ये भी सही है आपका। और युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय का कायम करेंगे। और चौथा है, वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तो CDS के संबंध में जो है ये सभी कथन यहाँ सही हैं, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 के 57 से बढ़कर वर्ष 2019 में 60 हो गया। दूसरा है, भारत ने लक्ष्य स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा तथा वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा में अधिकतम वृद्धि हासिल की है। तीसरा है, इस सूचकांक में केरल, हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 स्थान पर हैं। चौथा है, उत्तर प्रदेश का स्कोर जो है 55 है, सूचकांक में 24वें स्थान पर है, जबकि विगत वर्ष के सूचकांक में 29वें स्थान पर था। तो उपर्युक्त कथनों में से असत्य कथन आपको बताना है क्या है, यानी कि आपको गलत कथन बताना है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वह असत्य नहीं है, यानी कि सभी कथन यहाँ सही हैं। यानी कि जो है आपका भारत का समग्र स्कोर जो है SDG के बारे में कहा गया है, सतत विकास सूचकांक में 2018 के 57 से बढ़कर वर्ष 2019 में 60 हो गया है, सही है आपका। भारत ने लक्ष्य स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा तथा वहनी और स्वच्छ ऊर्जा में अधिकतम वृद्धि हासिल की है। और इस सूचकांक में जो है केरल, हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका BEO के एग्जाम में जो है पूछा गया था, 16 अगस्त को जो पेपर हुआ है। उसके बाद जो है चौथा, उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है? तो 55 है और सूचकांक में जो है यह 24वें स्थान पर है, जबकि विगत वर्ष के सूचकांक में यह 29वें स्थान पर था। तो सभी कथन जो है यहाँ सत्य हैं, कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर के अंत 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2020 से 25 तक $5 ट्रिलियन की GDP हासिल करने हेतु अवसंरचना परियोजनाओं पर कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1.4 ट्रिलियन डॉलर। दिसंबर के अंत तक 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत को वर्ष 2020 से लेकर 25 तक जो है $5 ट्रिलियन की GDP हासिल करने हेतु अवसंरचना परियोजनाओं पर कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। BEO के एग्जाम में जो है ये भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत को जो है $5 ट्रिलियन की GDP बनाने का जो है लक्ष्य कब तक जो है निर्धारित किया गया है। तो आयोग ने जो है 2024 जो है सही किया है, जबकि सभी बुकों में जो है 2025 दिया है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कितने खर्च करने की जो है ज़रूरत है $5 ट्रिलियन बनाने में। तो $1.4 ट्रिलियन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ISFR 2019 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है कि देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। दूसरा है, देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य यानी कि संघीय जिसमें भी शामिल है क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश हैं। और तीसरा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण जो है
170,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है। और चौथा है, मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य जो है गुजरात है, महाराष्ट्र है तथा उड़ीसा है। और पांचवा दिया गया है कि देश के कुल बांसधारित क्षेत्र 160,037 वर्ग किलोमीटर हैं। तो प्रीत कथनों में से सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन जो है सत्य है यहाँ, यानी कि आप देख सकते हैं ISFR 2019 के संदर्भ में जो है कथन दिया गया है कि देश के कुल मैंग्रोव कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, सही है आपका। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य जो हैं वह पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है, ये भी सही है आपका। उसके बाद तीसरा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण जो है 170,541 वर्ग किलोमीटर हैं, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% हैं, तो ये भी सही आपका। चौथा है, मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। और पांचवा दिया गया कि देश का कुल बांसधारित क्षेत्र 160,037 वर्ग किलोमीटर हैं, तो सभी कथन यहाँ सही हैं आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका, सातवीं आर्थिक जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा में हुई थी। दूसरा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए आम सेवा केंद्रों ई गवर्नेंस सेवा के साथ समझौता किया है। तीसरा है, पहली बार संपूर्ण जनगणना एक एप्लीकेशन के उपयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। तो उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन बताना है क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, तीनों कथन जो है यहाँ सही हैं, यानी कि सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से की गई और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सातवीं का आर्थिक जनगणना के लिए आम सेवा केंद्रों ई गवर्नेंस सेवा के साथ समझौता किया है और पहली बार संपूर्ण जनगणना या एक एप्लीकेशन के उपयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, तो तीनों ही कथन जो है यहाँ सही है आपका, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गई। दूसरा है, इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तीसरा है, इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी कथन जो है यहाँ सही हैं, यानी कि हाल ही में चर्चा में जो रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित कथन दिया गया है कि दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी दी गई है, बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम का उद्देश्य है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो सभी कथन यहाँ सही हैं आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 13 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक आपराधिक कानून आंध्र प्रदेश संशोधन विधेयक 2019 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया गया, इस विधेयक में 21 कार्य दिवसों में सुनवाई और फैसले की प्रक्रिया पूरा किए जाने का प्रावधान है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के दोषियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा का प्रावधान है। तीसरा है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घिनौने अपराधों से निपटने हेतु आंध्र प्रदेश विशेष अदालत विधेयक 2019 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। और चौथा है, इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराध, तेजाब से हमले और महिला उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, यहाँ उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। आप देख सकते हैं कि 13 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक आपराधिक कानून विधेयक 2019, इस विधेयक में 21 कार्य दिवसों में सुनवाई और फैसले की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान है। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ, कि आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक में महिलाओं के विरुद्ध
अपराध के दोषियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा का भी प्रावधान है। और तीसरा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घिनौने अपराधों से निपटने हेतु आंध्र प्रदेश विशेष अदालत विधेयक 2019 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। और चौथा है, इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराध, तेजाब से हमले और महिला उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल हैं। तो सभी कथन जो है यहाँ सही हैं, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है आपका, नवंबर 2019 में उत्तराखंड में होने वाले खेल महाकुंभ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस खेल का महाकुंभ का शुभंकर कस्तूरी मृग है। दूसरा है, इस खेल महाकुंभ में तैराकी, तीरंदाजी और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक और दो कथन जो है आपका दोनों सही हैं, यानी कि इस खेल का महाकुंभ का शुभंकर जो होगा वह कस्तूरी मृग होगा और इस खेल में महाकुंभ में तैराकी, तीरंदाजी और तलवारबाजी पहली बार जो है शामिल किया गया है। याद रखिएगा, तैराकी, तीरंदाजी और तलवारबाजी को पहली बार जो है उत्तराखंड में होने वाले खेल महाकुंभ में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका, नवंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, भारत को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो स्विट्जरलैंड को जो है पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न आपका, 16 नवंबर 2019 को किस स्वदेश निर्मित नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका नाम व्हीलर द्वीप कर दिया गया है, से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि 2 का। अगला प्रश्न आपका, नवंबर 2019 में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा पेश देश में मातृ मृत्यु दर से संबंधित रिपोर्ट स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया के अनुसार जो है 2015-17 के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर MMR अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर कितनी रह गई है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा 122। अगला प्रश्न है आपका, 21 नवंबर 2019 को प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड सूचकांक 2019 में ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के इसमें 3 शहरों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका, नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न आपका, 20 से 22 नवंबर 2019 के मध्य दूसरा भारत आसियान इनोटेक समिट कहां संपन्न हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवाओ कहां पर है? तो यह फिलीपींस में है। अगला प्रश्न आपका, 10 अक्टूबर 2019 को किसने माँ और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन कहा जाता है, सुमन योजना का शुभारंभ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपका, 10 नवंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कहां पर नए 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे को। शांति और सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपका, 1 नवंबर 2019 को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम की घोषणा की, चुनाव परिणाम कब जारी किए जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है, 23 दिसंबर 2019 को जो है चुनाव परिणाम जारी किया गया। अगला प्रश्न आपका, 23 अक्टूबर 2019 को जारी की गई मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड को।
अगला प्रश्न आपका 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 57वां। भारत को जो है इसमें 57 रैंक मिला है और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न आपका 21 अक्टूबर 2019 को जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारत नवाचार सूचकांक 2019 के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक को जो है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश जो है इस श्रेणी में 7वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न आपका 6 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल इस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने तथा रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु कितनी राशि के विशेष फंड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25,000 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न आपका 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस 2019 का 5वां संस्करण जारी किया। इसके अनुसार किस राज्य में बंजर भूमि में सर्वाधिक सकारात्मक बदलाव आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।